हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 5B के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो 15 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें Z1 और Z2 दोनों के मान दिए हुए हैं और हमें मान ज्ञात करना है रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग। वास्तविक भाग ज्ञात करना है Z1 गुणे Z2 बटे में Z2 बार यानी Z2 के संयुग्म में। इस मान के हमें वास्तविक भाग का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें Z1 गुणे Z2 बार का मान रख के हल करके फिर जो मान आएगा उसके काल्पनिक भाग का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से अगर हम इसको हल कर रहे हैं और हमें मान a प्लस ib के रूप में प्राप्त हो जाएगा तो इसका जो रियल पार्ट निकालेंगे वो मान होगा जो i से फ्री होगा। तो इस तरीके से रियल पार्ट ऑफ a प्लस ib बराबर a हो जाएगा। और जब हम काल्पनिक भाग निकालेंगे तो ये वो मान होगा जो i के साथ गुणे में होगा, मतलब ये इस तरीके से जो i के साथ गुणे में b है तो ये इसका मान b हो जाएगा। तो सबसे पहले हम Z1, Z2 और Z2 के संयुग्मी का मान रखेंगे। Z1 का मान 2 - i, Z2 का मान 1 + 2i और Z2 के संयुग्मी का मान रखना है। तो Z2 का मान है 1 + 2i, इसके संयुग्मी का मान i की जगह -i रखने पे मिलता है तो ये हो जाएगा 1 - 2i। तो यहाँ पे रख दिया गया है। अब हम ऊपर इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक का पहले इन दोनों में गुणा कर देंगे फिर 2i का इन दोनों में गुणा करेंगे तो इस तरीके से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आई स्क्वायर आ रहा है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो आई स्क्वायर का मान -1 रखने पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएँ वास्तविक संख्याओं के साथ जुड़ जाएंगी और काल्पनिक संख्याएँ काल्पनिक संख्याओं के साथ जुट या घट जाएंगी। तो ये 2 - 2 = 4 हो जाएगा और ये घट के 3i हो जाएगा और नीचे 1 - 2i। तो जब भी हर में कोई सम्मिश्र संख्या आती है तो हम उसका परिमेयकरण कर देते हैं और परिमेयकरण इसके संयुग्मी से करेंगे, यानी ये 1 - 2i है, इसका संयुग्मी 1 + 2i हो जाएगा। तो उससे ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हम ऊपर और नीचे दोनों ही 1 + 2i से गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं नीचे a - b और a + b के फॉर्मूले से इसका मान हो जाएगा a² - b² यानी 1² और -2i² और ऊपर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ऊपर फिर हम गुणा कर लेंगे, एक का पहले इन दोनों में करेंगे फिर 2i का इन दोनों में कर लेंगे और नीचे हम ये i² आएगा, i² का मान -1 रखेंगे, ये 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा तो -4 से माइनस मिलके +4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिलके 11i हो जाएंगे और यहाँ पे -6 हो जाएगा i² का मान -1 रखने पे और नीचे 5 हो जाएगा। अब आगे हम इस दोनों को घटा के -2 ला देंगे और ये 11i बटे में 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, हर को दोनों के साथ अलग अलग कर रहे हैं तो ये -2/5 प्लस 11i/5 हो रहा है। तो ये a + ib के रूप में हो गया है और अब इसका हमें वास्तविक भाग निकालना है, वास्तविक भाग का मान। तो वास्तविक भाग का मान वो मान होगा जो i से फ्री होगा, तो ये वाला मान i से फ्री है तो इस तरीके से इसके वास्तविक भाग का मान हो जाएगा -2/5, इसका आंसर हो जाएगा। और अगले इसके सेकेंड क्वेश्चन में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो i के साथ मान आएगा वो मान इसके लिए आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है x + i/3 बराबर है a + ib के। तो हमें सिद्ध करना है कि x/a + y/b बराबर है 4 (a²) - b² के। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात है उससे शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पे घात 1/3 लगी हुई है और 3 घात और लगाएंगे तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे भी a + ib का घन कर देंगे तो यहाँ पे 3 घात से 3 घात कट जाएगी और यहाँ पे x + iy/ 1 घात रह जाएगी। और इस साइड a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से इधर हो जाएगा x + iy और यहाँ पे हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ + ib² + (3)(a)(ib) (a+ib) और चूंकि यहाँ पे a का भी क्यूब हो रहा है तो a के क्यूब का मान होता है -i। तो इस तरीके यहाँ i³ का मान -i रखने पर हो जाएगा -ib³ और यहाँ 3ab का गुणा अंदर कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा।
अब यहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर का मान यहाँ पे हम माइनस वन रखेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। अब हम आगे इसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग कर लेंगे, तो ए स्क्वायर और ये थ्री ए बी स्क्वायर अलग हो जाएगा और काल्पनिक भाग को अलग कर उसमें से आई कॉमन ले लेंगे। अब हम दोनों पक्षों से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग अलग कर लेंगे। अब दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग अलग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर और y बराबर हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का हम देख रहे हैं मान, हमें हम ये ले लिए हैं और यहाँ पे हम x का जो मान निकाले थे वो यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे y का मान जो निकाले थे उसे हम यहाँ पे रख दिए हैं। अब यहाँ हम a कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा थ्री ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ a से a कट जाएगा और ये b से b कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर। ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये और ये प्लस में ए स्क्वायर, तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस में है तो ये माइनस माइनस में प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस फोर बी स्क्वायर। अब आगे हम फोर कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आर एच एस के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया जो कि हमें सिद्ध करना था।